हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाली हैं विंका की सदाबहार की, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। देखिए, ये मेरे पास वाइट, पिंक और ये डार्क पिंक जो हाइब्रिड वैरायटी है, ये वाली वैरायटीज़ हैं। ये देसी वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा लंबी घनी होती है, और ये एक बोनसाई की तरह होती है जो हाइब्रिड वैरायटी होती है। इस पर 3 से 4 दिन में लग जाते हैं मेरे पास। ये देखिए, इसको थोड़ी ज़्यादा देखभाल की जरूरत होती है। तो आज हम जानेंगे कि यदि अगर आप इस हाइब्रिड वैरायटी लेकर आए हैं तो आप इसको कटिंग से नहीं लगा पाते, तो आज हम जानेंगे कि कहीं इन सभी बातों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा है, ये इनके फूल गुच्छों में होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, और ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। आप इनको इसकी डिफरेंट वराइटीज़ होती है, इसको जामुनी में, डार्क पिंक जैसे मैंने आपको दिखा दिया है, तो ये वराइटीज़ इनकी होती हैं। तो आप इनको बाय कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैंने ये प्लांट बाय किया था, ये देखिए, और अभी भी ये फूल दे रहा है। इतने अच्छे अच्छे फूल आते हैं इस पर, फ्लारिंग बहुत अच्छे से करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि अगर आप अपनी विंका को बुशी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी ऊपर वाली जो टहनियाँ हैं ऐसे करके सभी प्लांट्स की तोड़ दें। शुरू में भी आपको थोड़ा लगेगा कि सारे प्लांट्स हमने तोड़ दिए हैं, लेकिन नहीं, अगर आप इसको 15 से 20 दिन बाद देखोगे तो इसकी नई लीफ स्टार्ट हो जाएंगी, इवन ये बुशी हो जाएगा, नई नई टहनियाँ इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी प्लांट्स को बुशी करने के लिए तो आप ये कर सकते हैं कि ऊपर वाले इसकी टहनी ले सकते हैं, और भी मैं आपको प्लांट्स बताऊँगी कि आप उनको बुशी कैसे कर सकते हैं। तब हमने बुशी बनाया था, ये सिर्फ एक टहनी की तरह था, लेकिन अभी ये बहुत बुशी हो चुका है। मैंने इसकी टहनियाँ तोड़ दी थी, ये ऊपर वाले इसकी लीव्स मैं उतार देती हूँ जिससे बुशी बन जाए। इसकी सिर्फ एक ही टहनी थी, अब कम से कम इसकी 3 टहनियाँ हैं। एक टहनी का मैंने एक प्लांट बना लिया है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि आप इसको कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। तो कटिंग से लगाने के लिए सबसे पहले आप इसकी छोटी सी कटिंग ले लें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं आपको छोटी सी कटिंग लेकर इसकी दिखा देती हूँ। जैसे मैंने अगर ये ऊपर से उतार दिया है, तो इसकी छोटी सी मैंने कटिंग ले ली है, उसके ऊपर वाले जो फ्लावर्स हैं ये उतार दें, और इसको मिट्टी में और रेत के मिश्रण में आप लगा दें। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, मैंने ये कटिंग से लगाए थे, ये आप देख सकते हैं, और उस पर नए नए जो लीफ हैं वो भी आ रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ। और ये जो फ्लावर्स है, ये भी मैंने, ये पिंक कलर की जो ये वैरायटी है, ये मैंने इसकी ये कटिंग ली है। तो चलिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ। इसकी कितनी अच्छे से कटिंग आ रही है, आप देख सकते हैं इसकी ये कटिंग, ये देखिए इसकी ये कटिंग, आप देख सकते हैं इसकी रूटिंग कितनी अच्छे से हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो आप इसको कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो वो बात करते हैं कि इसको आप लीफ से कैसे लगा सकते हैं, और आप इसकी हाइब्रिड वैरायटी को भी कटिंग से लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि आप इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। आप इसको DNP की स्प्रे कर सकते हैं अगर आपकी प्लांट्स में फंगस लगा हुआ है, क्योंकि जो ये जून जुलाई का महीना है, तो बारिश के बाद इसमें फंगस लग जाती है, या इसकी पत्तियाँ पीली होने लग जाती हैं, तो आप इसको DNP की स्प्रे कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, इसको सीड से भी लगा सकते हैं। मैंने इसको सीड से भी लगाया हुआ है, जो ये वाला प्लांट है ये सीड से ही ग्रो हुआ है। ये देखिए कितना अच्छे से बुशी भी हो रहा है, और ये प्लांट तो इसको लगाना बेहद ही आसान है। तो आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।